हेलो, गुड मॉर्निंग. आई एम सीमा गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर. टुडे वीडियो 78, लेक्चर 16. इट इज फॉर बीएससी पार्ट 1, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पेपर 2, यूनिट 2. टॉपिक इज अल्केन्स एंड साइक्लोअल्केन्स. दिस इज द सिलेबस of alkanes and cycloalkanes, nomenclature, isomerism, sources, method of formation, physical properties, chemical reactions, mechanisms, reactivity and selectivity, cycloalkanes, nomenclature, stability, and all that. Alkanes. Usually, organic compounds are broadly classified into two categories, open chain and closed chain. Open chain organic compounds, they are usually also known as aliphatic, acyclic. They are again classified into two categories, saturated and unsaturated. Saturated alkanes are saturated. Their general formula is CnH2n+2. Alkanes are also known as paraffins. It means para means less, affines means affinity. So paraffins means low reactivity or low affinity towards the reagents, some common reagents like KMnO4, K2Cr2O7, H2SO4, HCl, HNO3, NaOH. And this is due to saturated nature of alkanes because alkane having sigma bond. So, कहने का मतलब ये है, alkanes को हम paraffins कहते हैं क्योंकि इनकी जो क्रियाशीलता जो है कुछ रिएजेंट्स के प्रति कम होती है, इस कारण से अल्केन्स जो है पैराफिन्स कहलाते हैं. दूसरी बात यह है कि अल्केन्स में सिग्मा बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड नहीं होते हैं, तो इनको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, इसीलिए लो रिएक्टिविटी होती है और इन्हें पैराफिन्स कहते हैं. See the structure of alkanes. This is the first member of this alkane is methane. So methane, it having sp3 hybridization. Bond angle, all bonds are, see here, carbon hydrogen having sigma bond. And bond angle is 109.28. So its hybridization is sp3 hybridization. Ethane carbon-carbon bond length is 1.54. It is again sigma bond and its bond length is 1.54 angstrom. Nomenclature. Alkanes nomenclature, we can nominate it in various way. One is tribal or common name. मतलब कि सामान्य जो है रूढ़ पद्धति नाम. मीथेन की जो अल्केन्स की जो पहले चार मेंबर है, तो जैसे फर्स्ट मेंबर है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, और जो आगे के मेंबर हैं उन्हें हम ग्रीक वर्ड से, मतलब कि जैसे पांच मेंबर वाला अल्केन है तो पेंटेन, तो आगे जो है हम उसके नंबरिंग के हिसाब से नोमेनक्लेचर करते हैं. डिराइव्ड सिस्टम यानी व्युत्पन्न विधि. मीथेन फर्स्ट मेंबर है, इथेन को हम, क्योंकि एक मिथाइल ग्रुप और पड़ जाता है तो हम इसको मिथाइल मीथेन कहते हैं. नेक्स्ट प्रोपेन,
इसको डाइमिथाइल मीथेन, ब्यूटेन को इथाइल मिथाइल म्यूटेन मीथेन सॉरी, यहाँ पर देखिए आप इथाइल ई अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, ई पहले आता है तो इथाइल और मिथाइल मीथेन। इसे हम जो है टेट्रामिथाइल मीथेन कहेंगे, आइसोपेंटेन को सॉरी नियोपेंटेन को हम टेट्रामिथाइल मीथेन कहेंगे। इसी तरह से हम जो है प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन है तो उससे हम नॉर्मल मतलब नॉर्मल कहेंगे नॉर्मल अल्केन्स, टर्शियरी कार्बन है तो आइसो, क्वार्टरनरी कार्बन है तो नियो। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर ये क्वार्टरनरी है तो क्वार्टरनरी तो मीन्स नियो पेंटेन, ये भी नामकरण किया जाता है। आईयूपीएसी सिस्टम, इन आईयूपीएसी सिस्टम सबसे पहले हम वी विल हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बोनेट, हमें सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है। फॉर एग्जाम्पल दिखने में ये देखिए हमें ब्यूटेन है बट इसमें जो ग्रुप लगे हुए हैं उसकी वजह से ये जो है लॉन्ग चेन बन रही है, तो ये इसका नामकरण जो है हमें लंबी श्रृंखला चयन करना है, तो 1, 2, 3, 4, 5 सो इट इज अ पेंटेन, तो सब्स्टिट्यूएंट ऑफ पेंटेन इज। ठीक है, पेंटेन में यहाँ देखिए आप यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, थर्ड पे भी मिथाइल ग्रुप है, तो 2, 3 डाइमिथाइल पेंटेन इट्स नेम इज। सिलेक्शन ऑफ मोर नंबर ऑफ साइड चेन्स, अब यहाँ देखिए अब जैसे मान लो सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन है तो जिसका नंबर जैसे यहाँ पर साइड चेन है यहाँ से भी तो जहाँ लोवेस्ट नंबर से शुरू हो रही है, जैसे यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, थर्ड पर इथाइल ग्रुप है, तो नंबरिंग हमें वहाँ से शुरू करनी है जहाँ से श्रृंखला मतलब कि जो साइड चेन है वो जुड़ती है, तो वी हैव टू गिव नंबरिंग फ्रॉम हियर 1 मिथाइल लाइक दैट। अगेन लोवेस्ट लोकेंट रूल, इसके हिसाब से अब जब नंबरिंग करेंगे तो जहाँ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ रहा है जो साइड चेन है उसको हम जहाँ लोवेस्ट नंबर आएगा वहाँ से प्रेफरेंस देंगे। सीधे इस एग्जाम्पल यहाँ से अगर हम देखते हैं तो मिथाइल ग्रुप जो सब्स्टिट्यूएंट है वो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, अगर यहाँ से काउंट करते तो फोर्थ पोजीशन पे आ रहा था, पर हमें जो है लोवेस्ट लोकेट रूल अप्लाई करना है आईयूपीएसी में, तो ये वाला जो है नंबरिंग जो है हमारी यहाँ से होगी 1, 2, 3 तो 3 मिथाइल। अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 3 मिथाइल हेक्सेन, सो इट इज नॉट अ 4 मिथाइल इट इज अ 3 मिथाइल हेक्सेन। लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेट रूल्स, अब यहाँ देखिए यहाँ जो है ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट जहाँ है उसको लोवेस्ट सेट मतलब 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं तो हम जो है लोवेस्ट नंबर कहाँ से आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा था सेकेंड पोजीशन, लेकिन यहाँ ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट जो है वो इस तरफ है तो हमें नंबरिंग यहाँ से देनी है, तो इट इज़ अ 2, 2, 4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, इट्स नेम इज 2, 2, 4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। और हमें कंटिन्यूशन में लिखना है, हमें गैप नहीं रखना है इस तरह से, जैसे मैंने 2, 2, 4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, यहाँ स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए एक्चुअली मेरे लिखने में हुई, अदरवाइज स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना है, जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है जब लिखते समय काउंटिंग तो हम यहाँ से कर रहे हैं, लेकिन हम 3 इथाइल इथाइल ई पहले आता है हमसे, तो 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन
अल्फाबेटिकल का भी ध्यान रखना है। तो ये है IUPAC नोमेनक्लेचर था। आइसोमेरिज्म इन अल्केन्स, अल्केन्स में चेन आइसोमेरिज्म पाया जाता है। ये है राइट चेन आइसोमेरिज्म 1, 2, 3, 4 ये वाला, ये नहीं होना चाहिए, गलत है। तो नॉर्मल ब्यूटेन है आइसोब्यूटेन, नॉट दिस, दिस इज आइसोपेंटेन, आई थिंक इट इज फॉर आइसोपेंटेन। तो ये चेन आइसोमेरिज्म है। पोजीशन मतलब कि एक बार 2 पोजीशन पे है, दूसरा 3 पोजीशन पे है, जैसे ये है 1, 2, 3, 4, 5। सो यहाँ पे ये 2 पोजीशन पे है और यहाँ 3 पोजीशन पे है। तो इस तरह से पोजीशन आइसोमेरिज्म भी देखने को मिलता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी हमें दिखाई देता है बिकॉज इट इज़ अ ऑप्टिक केरल कार्बन, सो वी आर गेटिंग आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑल्सो इन अल्केन्स। अल्किल ग्रुप, मिथाइल इज नोन एज मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, लाइक दैट, इट इज अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स, सी हियर, दिस कार्बन इज अटैच टू अनदर कार्बन, सिंगल कार्बन, सो इट इज अ प्राइमरी। दिस मिथाइल ग्रुप इज कनेक्टेड विथ टू अदर कार्बन सेकेंडरी, दिस कार्बन इज कनेक्टेड विथ अदर 3 कार्बन, सो इट इज टर्शियरी, दिस इज क्वार्टरनरी। सोर्सेस ऑफ अल्केन्स, अल्केन का स्थान, उद्गम स्थान क्या है, कहाँ कहाँ ये पाया जाता है। तो मेन तो ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो होती हैं, मुख्य सोर्स जो है इसका पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस है, प्रिंसिपल सोर्स है। एंड मीथेन इज ऑल्सो द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मार्स गैस प्रोड्यूस बाय द एनारोबिक, इन एब्सेंस ऑफ एयर फर्मेंटेशन ऑफ सेल्युलोज, जो सेल्युलोज का फर्मेंटेशन होता है वायु की अनुपस्थिति में, उस दौरान जो है ये हमें देखने को मिलता है। सी हियर, सो इट इज ऑल्सो नोन एज मार्स गैस, मीथेन का दूसरा नाम मार्स गैस है। ये कॉम्पिटिशन लेवल में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सेल्युलोज के फर्मेंटेशन इन एब्सेंस ऑफ एयर ऑल्सो दिस मीथेन जो है प्रोड्यूस होती है। कुछ प्लांट्स वैक्सीस हैं जिनमें हमें हायर अल्केन्स देखने को मिलता है, जैसे वुड टर्पेंटाइन, इट कंटेन पाइन ट्रीज, सो इट कंटेन नॉर्मल हेप्टेन, एंड जो हमें हम पत्ता गोभी खाते हैं कैबेज लीव्स में एन नोनाकोसेन C29H30 वाला अल्केन, हायर अल्केन देखने को मिलता है। तो ये कुछ सोर्सेस हैं। तो नेचर में कई जगह जो है हमें अल्केन्स देखने को मिलता है। सिंथेटिकली हम अल्केन्स, हायर अल्केन्स कैसे बना सकते हैं, तो जनरल मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन फॉर अल्केन्स, फर्स्ट रिएक्शन इज वुड्स रिएक्शन। वैसे तो कई मेथड्स हैं लेकिन आपके सिलेबस में लिमिटेड जो मेथड्स हैं हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज वुड्स रिएक्शन। अल्किल हैलाइड्स के 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्किल हैलाइड्स व्हेन रिएक्टेड विथ सोडियम, 2 मोल्स ऑफ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राइथर, वी विल गेट दिस अल्केन। The order of reactivity of alkyl halide is alkyl iodide, alkyl bromide, alkyl chloride. Alkyl fluoride do not react. We are not using alkyl fluoride because it is more vigorous reaction.
do not react. It is not reacting, sorry here. This method is convenient to prepare symmetrical alkenes, higher alkenes, containing even number of carbon atoms, like ethane, normal butane. However, it is not suitable for preparing unsymmetrical alkenes, जैसे कि आप propane, pentane नहीं बना सकते. This is because of the reason that in the preparation of such alkenes, an equimolar mixture of two different alkyl halides is used, which in addition to reactivity with each other also react among themselves, producing a mixture of three alkanes. React तो हो सकता है, but वो क्या है कि हमें बहुत सारे मिक्सचर देता है, जैसे इथेन भी देगा, प्रोपेन भी देगा, पेंटेन भी देगा. अब इनके जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं इतने क्लोज होते हैं कि हम इन्हें इनकी जो प्रॉपर्टीज है पोलारिटी वगैरह इतना क्लोज है कि हम इन्हें अलग नहीं कर सकते. सो इट इज नॉट एडवाइजेबल टू प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल अल्केन्स विद वुड्स रिएक्शन मैकेनिज्म. There are two types of mechanisms are suggested. One is Muktmulak, yani free radical, and second is ionic. So this mechanism is ionic mechanism. So in this mechanism, first alkyl halide is reacting with 2 moles of sodium. 1 mole of alkyl halide is reacting with 2 moles of sodium. It will produce this sodium alkaloid. Plus sodium halide and this sodium alkaloid. Now यहाँ देखिए आप ये क्या बन गया आपका न्यूक्लियोफाइल. अब दूसरे alkyl halide molecule के साथ ये react करेगा and it will give you alkene, higher alkene and sodium halide. इस तरह की जो है free radical mechanism भी है. तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन प्रेजेंस ऑफ 2 moles ऑफ सोडियम, फर्स्ट इज फ्री रेडिकल, यहाँ देखिए फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हुआ और जो है ये फिर से रिएक्ट होगा एंड इट विल गिव यू हायर अल्केन्स. लिमिटेशंस, इस वुड्स रिएक्शन से मिथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय दिस रिएक्शन. ये भी कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है कि हम मिथेन इस मेथड से वुड्स रिएक्शन से नहीं बना सकते. टर्शियरी अल्किल हैलाइड फेल्स टू रिएक्ट, टर्शियरी अल्किल हैलाइड भी रिएक्ट नहीं करेगा. हैलोजन कंपाउंड्स कंटेनिंग अदर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप सच एज हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एक्सेट्रा कैन नॉट बी यूज्ड इन दिस रिएक्शन. अगर अल्किल हैलाइड में ये ग्रुप है तो भी नहीं रिएक्ट होगा. Important, Wood's reaction is useful for ascending even number of alkane series since it involves the formation of new carbon-carbon bond. जैसे आपने alkyl halide, methyl halide से ethane बनाया तो एक नया carbon-carbon bond formation होता है. So, thank you very much for today's lecture.